अब हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस इंडिकेटिव और सजेस्टिव ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो कुछ फिजिकल साइंस जो कि इंडिकेट करता है माल न्यूट्रिशन को, अभी हम वो देखेंगे। तो पहला आता है हेयर का नॉर्मल अपीयरेंस, उसका क्या होता है, शाइनी होता है, फर्म होता है, नॉट इजीली प्लग्ड। बट अगर माल न्यूट्रिशन है तो नेचुरल शाइन चली चली जाती है, डलनेस आती है, थिन हो जाते हैं हेयर्स, ठीक है, प्लग भी इजीली हो जाते हैं। और पॉसिबल डिसऑर्डर क्या होगा, क्वाशियोर्कर हो सकता है या फिर मेरास्मस भी हो सकता है, या एक्सेसिव ब्लीचिंग ऑफ हेयर अगर हो रही है या एलोपेशिया है तो भी हमारा पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन फेस का आता है यूनिफॉर्म स्किन कलर अगर है, नॉर्मल होती है, स्मूथ है, हेल्दी अपेयरेंस है, नो फेशियल स्वेलिंग, ये सारी हमारी नॉर्मल चीज़ है। अब एबनॉर्मल क्या है, नेजो लेबियल सिबोरिया, मतलब नॉस्टल्स के अराउंड स्किन जो है उसकी स्केलिंग हो रही है, या फेस अगर स्वॉलन है जिसको हम मून फेस भी कहते हैं, या पेलनेस है मतलब एनीमिया जैसे लोगों में, तो इसकी पॉसिबल माल न्यूट्रिशन क्या हुआ, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी हो सकती है, या क्वाशियोर्कर, या फिर एक्टिव वल्गैरिस भी हो सकते हैं। देन है आईज, आईज में नेचुरली क्या होता है, ब्राइट होती है, क्लियर होती है, शाइनी होती है, कॉर्नर्स में कोई सोर्स नहीं होते, आईलिट्स में भी नहीं होते, हेल्दी होती है, पिंकिश होती है, मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है, कोई प्रोमिनेंट ब्लड वेसल नहीं होती है, ठीक है। अब एबनॉर्मल में क्या हो गया, पेल कंजेक्टाइवा, बाइटॉट स्पॉट जो कि हमें विटामिन ए डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है ज़्यादातर, कंजेक्टाइवल जीरोसिस जिसको ड्राइनेस भी कह सकते हैं, कॉर्नियल जीरोसिस मतलब डलनेस कॉर्निया का, केराटोमेलेशिया मतलब कॉर्नियल सॉफ्टनिंग अगर हो रही है तो, रेडनेस एंड फिशरिंग ऑफ आईलिड कॉर्नर, ठीक है, लाल हो रहा है अगर, या फिर क्रैक्स हो रहे हैं आईलिड के कॉर्नर में, या फिर वाइट रिंग अराउंड आई, अगर आईज के अराउंड वाइट रिंग हो रही है, या जेंथेलेज्मा है मतलब येलोइश लम्प हो जाता है अराउंड आईज, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के हाई होने से होती है, या लिपिड हाइपरलिपिडीमिया में होती है। तो क्या क्या पॉसिबल वो हुई डिसऑर्डर, एनीमिया हो गया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फिर विटामिन ए डिफिशियंसी में भी हम देख सकते हैं ये वाले सिम्टम्स, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी और हाइपरलिपिडीमिया में भी हमें ये जेंथेलेज्मा दिखता है। और क्या क्या हो सकता है, ब्लड शॉर्ट आईज हो सकता है, एक्सपोजर टू वेदर से भी, स्मोक से भी, अल्कोहल से भी, या लैक ऑफ स्लीप से भी हो सकता है। देन है लिप्स का, लिप्स नेचुरली स्मूथ होते हैं, चैपी नहीं होते, स्वॉलन नहीं होते। एब्नॉर्मली क्या होता है कि एंगुलर चिलोसिस हो जाता है, मतलब जो कॉर्नर पे वाइट या पिंकिश लेजन आ जाता है कॉर्नर ऑफ माउथ में, और ये क्यों होता है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से। और भी क्यों हो सकता है, एक्सेसिव अगर सलाइवेशन है तो भी हो सकता है। देन क्या है, टंग, नाउ नॉर्मली टंग जो है वो डीप रेड होती है अपियरेंस उसकी, और स्वॉलन नहीं होती, स्मूथ होती है। अब एबनॉर्मली क्या होता है, पर्पलिश अगर हो रही है, या फिर फिलिफॉर्म पैपिला जो है वो पर्पलिश है, या अट्रोफिया हाइपरट्रोफी हो रही है, रेड टंग है, अलग सी ही रेड है, तो क्या डिफिशियंसी हो सकती है, मतलब क्या डिसऑर्डर, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, नायसिन डिफिशियंसी, राइट। और क्या हो सकता है, ल्यूकोप्लेकिया क्या हो सकता है। देन है टीथ, नॉर्मली कोई कैविटी नहीं होती, पेन नहीं होता, ब्राइट कलर होते हैं। एबनॉर्मली क्या होता है, एबनॉर्मली अगर कोई कैविटी हो गई, ठीक है, मिसिंग टीथ है, ये सब एबनॉर्मेलिटीज में आ जाता है। और क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, वो है फ्लोरोसिस, ठीक है, एक्सेसिव शुगर इंटेक, ये सारी कॉज कर देती है एबनॉर्मेलिटी। और क्या हो सकता है, माल ऑक्लूजन, पेरिडोंटल डिजीज, हेल्थ हैबिट्स अगर हेल्दी नहीं है, मतलब पान वगैरह ये सब मसाला गुटखा वगैरह खाता है तो भी टीथ में प्रॉब्लम ही होगी। देन सेम गोज विथ गम्स, गम्स क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, रेडिश होते हैं पर ब्लीडिंग नहीं होती, स्वॉलन नहीं होते, एबनॉर्मली स्पॉन्जी हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स हो जाती है, ठीक है, ये क्यों होते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, और या फिर पेरियोडोंटल डिजीज कोई है अगर। देन नेक्स्ट है ग्लैंड्स, नॉर्मली स्वॉलन नहीं होते कोई ग्लैंड्स, बट अगर एबनॉर्मेलिटी है तो स्वॉलन होंगे, जैसे कि हम थायराइड इनलार्जमेंट देख सकते हैं, ठीक है, जो आयोडीन डेफिशिएंसी में दिखता है, और पैरोटिड इनलार्जमेंट भी देख सकते हैं जो हमारे स्वॉलन चिक्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आयोडीन डेफिशिएंसी में हमें दिख जाते हैं ये सब, और या फिर कोई अलग एलर्जी है या इन्फ्लेमेशन है तो भी दिख सकता है। देन लास्ट है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में नॉर्मली साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है, इतनी जल्दी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं होता, नॉर्मल होता है रिफ्लेक्सेस। एबनॉर्मेलिटी क्या देख सकते हैं हम कि साइको मोटर चेंजेस, मतलब मेंटल कंफ्यूजन है, सेंसरी लॉस हो रहा है, मोटर वीकनेस है, राइट, लॉस ऑफ वाइब्रेशन, लॉस ऑफ एंकल एंड नी जर्क्स, एकदम से एक रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है बॉडी का, या फिर उसकी लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, डिमेंशिया हो रहा है, ठीक है। तो बर्निंग एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, मतलब उसको झंझनाहट महसूस हो रही है हाथ और पैर में,
अब ये क्यों, कहाँ हम देख सकते हैं, हम क्वाशियोरकर में देख सकते हैं, या अगर थायमिन, नायसिन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है उसमें देख सकते हैं। तो बेसिकली एक कॉमन चीज़ें हैं ये जो चार्ट में दे रखा है। अब है, इन द फर्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस वी हैव लर्न दैट असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस इज क्रूशियल। असेसमेंट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन डायग्नोसिस व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। लेट अस गेट टू नो अबाउट न्यूट्रिशन डायग्नोसिस नेक्स्ट। अब हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन असेसमेंट का, अब हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करेंगे मतलब हम पहचानेंगे कि बीमारी क्या है, क्या जरूरत है। ओके, न्यूट्रिशन डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग दैट डिस्क्राइब्स एन एक्चुअल अकरेंस और रिस्क ऑफ और पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग अ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम दैट डायटेटिक्स प्रोफेशनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग इंडिपेंडेंटली। अब क्या बोल रहे हैं ये कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, लेबल करेंगे एक्चुअल अकरेंस क्या है या कोई रिस्क है, ताकि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आगे ना चल के हो या अभी हो उसको हम ट्रीट करेंगे रिस्पॉन्सिबली। ओके, एट द एंड ऑफ द असेसमेंट स्टेप डाटा आर क्लस्टर्ड, एनालाइज एंड सिंथिसाइज। जो भी डाटा हमें मिलेगा उसको हम क्लस्टर करेंगे मतलब एक जगह करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। दिस विल रिवील अ न्यूट्रिशन डायग्नोस्टिक कैटेगरी फ्रॉम विच टू फॉर्मुलेट अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। उससे हम एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस स्टेटमेंट निकालते हैं। एनालाइजिंग द असेसमेंट डाटा एंड नेमिंग द न्यूट्रिशन डायग्नोसिस प्रोवाइड अ लिंक टू सेटलिंग रियलिस्टिक एंड मेजरेबली एक्सपेक्टेड आउटकम, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस इन अटेनिंग दोज एक्सपेक्टेड आउटकम्स। जब हमें असेसमेंट हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, तो हमारे को इंटरवेंशन करना इजी हो जाता है, पॉसिबल आउटकम हम उसको हम प्लान आउट कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट न्यूट्रिशन डायग्नोसिस चेंजेस एज द पेशेंट्स क्लाइंट्स ग्रुप रिस्पॉन्स चेंजेस। ये जो है ना डायग्नोसिस, ये चेंज भी होते हैं, अगर पेशेंट का रूटीन चेंज हो रहा है ना तो भी चेंज हो सकते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि एक फिक्स नहीं हो जाता। Once the nutritional care plan is formulated, it is easy to implement as highlighted next. अब हम implementation की बात करेंगे, मतलब nutrition intervention की। Nutrition intervention जो third point था, पहला था nutritional assessment, second था nutritional diagnosis, अब हम third में आ गए हैं nutritional intervention NCP के, ठीक है, nutritional care process के। Nutrition intervention, the third step of the nutrition care process is a specific set of activities and associated materials used to address the problem identified in the step above. ठीक है, तो ये यह कह रहे हैं कि हम अब हमने डायग्नोस कर दिया, अब हम मटेरियल इकट्ठा करेंगे ताकि जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस आर पर्पजफुली प्लान्ड एक्शंस डिजाइन विद द इंटेंट ऑफ चेंजिंग ए न्यूट्रिशन रिलेटेड बिहेवियर, रिस्क फैक्टर, इन्वायरमेंटल कंडीशन और आस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल, टारगेट ग्रुप और द कम्युनिटी एट लार्ज। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरवेंशन है ना, ये पर्पजफुली होता है, एक प्लान्ड होते हैं एक्शन, ऐसी नहीं है कि रैंडम दे दिया, पर्पज होता है, प्लान्ड होते हैं, डिजाइन किया जाता है प्रॉपर इंटेंशन के साथ कि रिस्क फैक्टर को हटाने का, बिहेवियर को मॉडिफाई करने का, इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी ध्यान रख के करा जाता है इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अ सेलेक्टिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस टू मीट पेशेंट्स, क्लाइंट ग्रुप एंड नीड्स। पहले तो हमने सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा मटेरियल, कौन सा इम्प्लीमेंटेशन यूज करेंगे, देन प्लानिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, ओके, और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो द सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिशन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड द बेसिस अपॉन विच द आउटकम्स आर मेजर एंड इवैल्यूएटेड। वो ये कि न्यूट्रिशन डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही हम प्लान आउट करते हैं न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को। प्लानिंग द न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द प्लान ऑफ एक्शन। फॉर दिस वी नीड टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज द न्यूट्रिशन डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, सेफ्टी, नीड ऑफ द पेशेंट एक्सेट्रा। अब हमको सिवियरिटी देखनी पड़ेगी कि इलनेस कितनी ज्यादा है, सेफ्टी देखनी पड़ेगी, नीड देखनी पड़ेगी पेशेंट की। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई साइंस बेस्ड आइडियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी इन बिहेवियरल फॉर्म, रियलिस्टिक एंड शुड बी अप्रोप्रिएट टू द एजुकेशनल लेवल्स एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिली। बेसिकली ये है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ना, अब ये नहीं है कि किसी को वेट गेन करना है तो हम सीधा बोल देंगे कि भाई 50 किलो खाना एक दिन में खा लो, ये साइंटिफिकली है ही नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो बेसिकली जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको हमें रियलिस्टिक बनाना है एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक भी देख के, सोशल रिसोर्सेज भी देख के पेशेंट का, ठीक है, फैमिली का। फर्दर डिटरमाइन पेशेंट फोकस एक्सपेक्टेड आउटकम्स फॉर ईच न्यूट्रिशन डायग्नोसिस। The expected outcomes are the desired changes to be achieved over time because of nutrition intervention. Expected outcome हमारे क्या है, जो होने चाहिए changes,
जो हमने उसको न्यूट्रिशन इंटरवेंशन दी, मतलब मॉडिफाई की उनकी डाइट पे, उसके अकॉर्डिंग हमें जो चेंजेस देखने को चाहिए वो हम देखेंगे, वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेट, ब्लड प्रेशर, लेबोरेटरी वैल्यूज एक्सेट्रा. दीज एक्सपेक्टेड आउटकम शुड बी क्लियर एंड कंसाइज एंड शुड बी रिटर्न इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल टर्म्स. फाइनली डिफाइनिंग एंड सिलेक्टिंग स्पेसिफिक इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज दैट फोकस ऑन द इटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम इज इंक्लूडेड इन द प्लानिंग फेज. अब जैसे कि हम बीपी को देख सकते हैं कि भाई बढ़ रहा है कम हो रहा है हमारे इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग, या वेट को देख सकते हैं. ये सब एग्जाम्पल्स हो गए. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हमें राइट डाउन करके लिखने चाहिए, ऑब्जर्व ढंग से करने चाहिए. स्ट्रैटेजीज हमारी उनके अकॉर्डिंग ही होगी. हमें प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग स्ट्रैटेजीज. एटियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम को भी अलग अलग अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा. वंस वी हैव फॉर्मुलेटेड अ प्लान ऑफ एक्शन, द नेक्स्ट कंपोनेंट इज टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान, दैट इज केयर इज डिलीवर्ड एंड एक्शंस आर कैरीड आउट. इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसलेट असेसमेंट डाटा इन टू स्ट्रैटेजीज, एक्टिविटीज और इंटरवेंशन दैट विल इनेबल द पेशेंट टू मीट ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश्ड. दिस माइट इंक्लूड प्रिस्क्राइबिंग अ डाइट, न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग द पेशेंट, प्रोवाइडिंग फूड और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, और चेंजिंग द मोड ऑफ फीडिंग एंड एडवाइज ऑन फेशियल, फाइनेंशियल और फूड रिसोर्सेस. अब ये यही कहना चाह रहे हैं कि हमने एक प्लान कर लिया पहले फॉर्मुलेट, अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, कैसे हम डिलीवर करेंगे, कैसे हम कैरिड आउट करेंगे इंटरवेंशन को. ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अब प्रिस्क्राइब करेंगे डाइट को. ठीक है, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट को, एजुकेट करेंगे, फूड प्रोवाइडिंग करेंगे, सप्लीमेंटेशन देंगे अगर ज़रूरत है तो, मोड ऑफ फीडिंग देंगे, फाइनेंशियल और उसके फूड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग. द केयर प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस वन. द इनिशियल प्लान मे हैव टू बी ऑल्टर्ड एज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट चेंजेस और एज एंड वेन न्यू नीड्स आर आइडेंटिफाइड. इंटरवेंशन शुड बी स्पेसिफिक टू एस्टैब्लिश्ड प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव. अब जो इंटरवेंशन होंगे ना वो स्पेसिफिक होने चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हमने इस्टैब्लिश करी, और वो कंटिन्यूस होने चाहिए. मतलब आप ये नहीं आपने एक डाइट चार्ट दे दिया वही फॉलो वो जिंदगी भर करते रहेंगे, ऐसा नहीं है. अकॉर्डिंग टू चेंजेस वो भी चेंज होते रहते हैं. इम्प्लीमेंटेशन देयर फॉर इज द एक्शन फेज ऑफ द न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस. ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज द डाइटेटिक प्रोफेशनल कम्युनिकेट द प्लान ऑफ न्यूट्रिशन केयर, कैरी आउट द प्लान ऑफ न्यूट्रिशन केयर एंड कंटिन्यू डाटा कलेक्शन एंड मॉडिफाई द प्लान ऑफ केयर एज रिक्वायर्ड. वही जो अभी मैंने बताया कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है. वी एज डाइटेटिक्स प्रोफेशनल में एक्चुअली डू द इंटरवेंशन और में इंक्लूड डेलीगेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग द न्यूट्रिशन केयर विद अदर प्रोवाइडर्स. वी नीड टू वर्क कोलैबोरेटली विद द पेशेंट्स, क्लाइंट ग्रुप्स, फैमिली और केयरगिवर टू क्रिएट एंड इंप्लीमेंट अ रियलिस्टिक प्लान दैट हैज अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग द डायग्नोसिस प्रॉब्लम. बेसिकली हमें उनकी फैमिली से या पेशेंट से डायरेक्टली लिंकअप करके, डिस्कस करके उनका प्लान करना चाहिए और उनके डायग्नोसिस या जो भी प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि पॉजिटिव आउटकम निकले. दिस क्लाइंट ड्राइवन प्रोसेस इज अ की एलिमेंट इन द सक्सेस ऑफ दिस स्टेप. हैविंग इम्प्लीमेंटेड द न्यूट्रिशनल केयर प्लान, वी ऑल्सो नीड टू मॉनिटर एंड इवेल्यूएट टू असेस वेयर वी आर एंड वेदर वी आर ऑन ट्रैक और नॉट. दिस इज द लास्ट स्टेप इन द न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस. दिस इज रिव्यूड नेक्स्ट. अब हमने अभी तक तीन बात कर ली, अब हम लास्ट स्टेप है हमारी कि हमें मॉनिटर भी करना है, इवेल्यूएट भी करना है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन इज एन एसेंशियल स्टेप इन द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू. मॉनिटरिंग स्पेसिफिकली रिफर्स टू द रिव्यू एंड मेजरमेंट ऑफ द पेशेंट क्लाइंट ग्रुप स्टेटस एट अ प्री डिटरमाइंड फॉलो अप पॉइंट विद रिगार्ड्स टू द न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, इंटरवेंशन प्लान, गोल्स एंड आउटकम्स. बेसिकली अभी ये कह रहे हैं कि एनसीपी का बहुत इंपॉर्टेंट एक है स्टेप, वो है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन को हम क्या करते हैं कि रिव्यू करना, बेसिकली जो भी मेजरमेंट है पेशेंट का वो फॉलो अप करना. ठीक है, डायग्नोसिस में क्या था, इंटरवेंशन क्या थी, उसका गोल क्या था, हमारा आउटकम क्या आया, वो सब. इवेल्युएशन ऑन द अदर हैंड इज द सिस्टमिक कंपेरिजन ऑफ करंट फाइंडिंग विद द प्रीवियस यूनिट. अब देखो मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन में ना फर्क है. मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अभी हम सिर्फ एक रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो अप कर रहे हैं, इसका एक सिस्टमिक चीज नहीं है. बट इवेल्युएशन जो है ना वो सिस्टमिक है. इवेल्युएशन का मतलब होता है कि उसकी अभी जो वो आई है रिपोर्ट, उसको पुरानी रिपोर्टों से, पुरानी स्टेटस से मैच करना.
इंटरवेंशन गोल्स और रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड से मैच करना एक सिस्टमिक तरीका है। द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच प्रोग्रेस इज बीइंग मेड एंड गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर आर बीइंग मेट। दिस स्टेप मेक्स द न्यूट्रिशनल केयर प्लान इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द पेशेंट्स नीड्स। इट इंक्लूड्स थ्री डिस्टिंक्ट एंड इंटररिलेटेड प्रोसेसेस एज हाईलाइटेड इन फिगर 1.3। ठीक है, अब बेसिकली अब हम न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग का स्टेप्स देखेंगे कि क्या तीन स्टेप्स होते हैं मॉनिटरिंग के, और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम डिटरमाइन करें कितना डिग्री ऑफ प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, गोल्स के अकॉर्डिंग कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है। अब पहला क्या करेंगे, मॉनिटर प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, चेक कैसे करेंगे मॉनिटर प्रोग्रेस, पहला स्टेप है ये। इसमें क्या है, चेक करेंगे पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग और कंप्लायंस विद प्लान। ठीक है, डिटरमाइन इफ द इंटरवेंशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्रिस्क्राइब्ड। जो प्रिस्क्राइब करा क्या वैसे इंटरवेंशन हो रहा है। प्रोवाइड एविडेंस दैट द प्लान इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज और नॉट चेंजिंग द पेशेंट क्लाइंट ग्रुप बिहेवियर और स्टेटस। उसकी बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, स्टेटस चेंज नहीं कर रहा, इसको एविडेंस प्रोवाइड कराएंगे। आइडेंटिफाई अदर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स, दूसरे और पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम्स देखेंगे। गैदर इन्फॉर्मेशन इंडिकेटिंग रीजंस फॉर लैक और प्रोग्रेस। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करेंगे। सपोर्ट कंक्लूजन विद एविडेंस, अब जो भी कंक्लूजन आएगा उसको एविडेंस के साथ सपोर्ट करेंगे। सेकेंड आता है मेजर आउटकम्स, पहला तो प्रोग्रेस करेंगे, अब आउटकम्स जो थे उसको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट आउटकम्स इंडिकेटर्स दैट आर रेलिवेंट टू द न्यूट्रिशन डायग्नोसिस, यूज स्टैंडर्डाइज इंडिकेटर्स टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक चार्टिंग कोडिंग एंड आउटकम्स मेजरमेंट। अब बेसिकली या तो आप टेक्नोलॉजी यूज कर लो, ठीक है, या इंडिकेटर जो भी थे डायग्नोसिस के बाद वो यूज कर लो, हमको मेजर करने हैं आउटकम्स पहले क्या थे अभी क्या है। इवेल्युएट आउटकम्स इनका थर्ड है, तो पहला क्या हो गया प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, सेकेंड हो गया आउटकम्स को मेजर करना, ठीक है, और फिर थर्ड क्या है तुम्हारा, इवेल्युएट करना वही आउटकम्स को। ये तुम्हारा क्या होता है, ये है मॉनिटर और इवेल्युएशन के तीन स्टेप। तो इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं करंट फाइंडिंग विद प्रीवियस स्टेटस और इंटरवेंशन गोल्स एंड और रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। तो हमारे जो भी फाइंडिंग्स निकली उनको जो हमारा गोल था या स्टैंडर्ड था उनसे मैच करने में, कंपेयर करने से हमें इवेल्युएट होता है आउटकम। एन इवेल्युएशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग मेट कैन बी डन फॉर एग्जांपल बाय मींस ऑफ न्यूट्रिशनल इंडेक्स, जिसको हम NIB कहते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर बीइंग कैन बी डन, अब इसका हम एग्जांपल से देख सकते हैं। दिस इंडेक्स कैलकुलेट द एक्सटेंट टू विच एन एक्चुअल इंटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीट्स द रिकमेंडेड डिजायरेबल इंटेक फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट। अब ये क्या है, एक्चुअल इंटेक क्या हो रहा है पेशेंट का, डिजायरेबल क्या है जो हमने इंटरवेंशन में दिया होगा, और उसी को डिवाइडेड बाय डिजायरेबल इंटेक। ये हमारा क्या कैलकुलेट करेगा, ये करेगा न्यूट्रिशनल इंडेक्स कैलकुलेट, जिसको हम NI कहते हैं। नाउ यू हाउ टू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम NI, इफ द एक्चुअल डेली इंटेक एक्सीड्स द डिजायरेबल इंटेक, द NI स्टेटस इज पॉजिटिव परसेंटेज, वाइल इफ लेस देन द डिजायरेबल इंटेक देन इट इज स्टेटस इज नेगेटिव परसेंटेज। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डिजायरेबल इंटेक ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्चुअल इंटेक, तो वो क्या कहे, वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस डिग्री है। अगर एक्चुअल इंटेक ज्यादा है डिजायरेबल इंटेक से ज्यादा, तो वो पॉजिटिव NI हो जाएगा। ओके, सेवरल नेगेटिव NI डेज इज एन इंडिकेटर ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉट बीइंग मेट एंड दैट द केयर नीड्स टू बी इवेल्युएटेड एंड चेंज्ड। अब NI से हम इवेल्युएट और अच्छे से कर पाएंगे। Besides nutrition monitoring and evaluation, documentation too is an important part of nutrient care process, nutrition care process. अब documentation के बारे में तो ये तो एक common सी sense है कि documentation important है, वरना याद नहीं रहेगा किसी को भी। This is described next. Documentation. Documentation is an essential aspect of nutritional care process. It helps the patient to understand the nutritional care plan and their role in this process. It helps to ensure the nutritional care will be relevant, complete and effective. It also serves as a communication with the other member of healthcare team. अब बेसिकली क्या है कि ये कंप्लीट हमारे जितने भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन में, हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो प्रोवाइड करता है। बाकी ये कम्युनिकेशन भी दे सकता है, क्योंकि हम बार बार किसी दूसरे हेल्थ केयर टीम को सारी हिस्ट्री पूरा बोल के नहीं बताएंगे, तो एक तरीके से कम्युनिकेशन भी हो जाता है ये, क्योंकि वो पढ़ के पूरा हिस्ट्री अपने आप जान लेंगे। द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कम्प्लीट, क्लियर, कंसाइज, लेजिबल एंड एक्यूरेट।
मतलब कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. अ फॉर्म फॉर्मेट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, POMR. ठीक है. दिस प्रोवाइड्स अ व्हीकल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द पेशेंट्स प्रॉब्लम एंड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम. तो बेसिकली ये हमें एक व्हीकल प्रोवाइड कर देता है ताकि पेशेंट प्रॉब्लम हमें मिल सके, जो कि अभी मैंने ये बताया बाकी हेल्थ केयर टीम को. ठीक है. प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है ज़्यादातर हमारा, फालतू की बातें नहीं लिखती उनकी हिस्ट्री की, जो प्रॉब्लम रही है पिछले टाइम पे या अभी जो है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है हमारा. इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर पार्ट, द डाटा बेस, अ प्रॉब्लम लिस्ट, द इनिशियल केयर प्लान एंड प्रोग्रेस नोट. अब ये चार इसमें होते हैं, या तो डाटा बेस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिस्ट क्या रही है या अभी क्या है, इनिशियल केयर क्या दी गई और प्रोग्रेस क्या हुई है वो. एंट्रीज इन टू द मेडिकल रिकॉर्ड कैन बी डन इन मेनी स्टाइल्स. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स इज द सोप नोट. ठीक है. सोप SOAP, जिसको हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान कह सकते हैं. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे आगे. वेरियस हेल्थ प्रोफेशनल्स, डाइटिशियन, फिजिशियंस, नर्सेज एंड सोशल वर्कर्स रूटीनली कलेक्ट मच ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. ये इसी वे में ही, इसी फॉर्मेट से ही काम करते हैं सारे मेडिकल रिकॉर्ड वाले. दिस इंटायर टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंश्योर्स दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल केयर आर नोटेड इन प्लेस एज अ पार्ट ऑफ द टोटल हेल्थ रिकॉर्ड. अब ताकि जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड रहा है वो एक जगह हम भी मिल जाए, ये इंश्योर करता है ये जो सोप लिखने का तरीका होता है. अब सोप में एस फॉर सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में हम क्या देखेंगे, द डाटा इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट और पेशेंट फैमिली रिगार्डिंग द प्रॉब्लम. सब्जेक्टिव में आता है कि वो सारा डाटा जो पेशेंट से हमें मिलता है या पेशेंट की फैमिली से मिलता है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम. फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा. ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या आता है, द डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम टेस्ट, एनालिसिस, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड ऑब्जर्वेशन बाय हेल्थ केयर टीम. तो सब्जेक्टिव में जो हमारे को ओरली मिला पेशेंट से या पेशेंट की फैमिली से, ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड. ऑब्जेक्टिव में हमें क्या मिला, जो हमें रिपोर्ट्स या टेस्ट आई या डायग्नोसिस आई उनमें से हेल्थ केयर टीम ने दी. असेसमेंट अब हम करेंगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ पेशेंट स्टेटस इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा. इन दोनों डाटा के अकॉर्डिंग हम असेस करेंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करेंगे जो भी हमारा इंटरवेंशन होगा. स्पेसिफिक प्लान्स आर स्टेटेड फॉर डीलिंग विद ईच प्रॉब्लम, सच एज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान्स, न्यूट्रिशनल केयर प्लान्स, मॉडिफाइड डाइट, न्यूट्रिशन काउंसलिंग गोल्स एटसेट्रा. जो भी हम प्लान देंगे, ट्रीटमेंट प्लान या केयर प्लान्स, या मॉडिफाई करेंगे डाइट को या काउंसलिंग करेंगे, वो सब इसके अकॉर्डिंग होगा. द क्लिनिकल डाइटिशियन शुड डॉक्यूमेंट द एक्चुअल न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइडेड. दिस शुड इंक्लूड द टाइप ऑफ डाइट, एडजस्टमेंट फॉर इंटॉलरेंस ऑफ द डाइट एंड डाइट इंस्ट्रक्शंस गिवन. अब ये क्लिनिकल डाइटिशियन जो है वो सब वही है, सेम चीज रिपीट करिए. विद द डॉक्यूमेंटेशन स्टेप वी कंक्लूड आर स्टडी इन द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस. वी शैल ट्राई टू रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न सो फार बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग इन द चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज टू गिवन नेक्स्ट. देयर आफ्टर वी शैल मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड न्यूट्रिशनल एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज. अब हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज आ गया, तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. वॉट इज द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व. अब ये इतना बड़ा हमने पढ़ा है बट हमें एक शॉर्ट में बताना है. सो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस इज अ सिस्टमिक एंड लॉजिकल अप्रोच. ठीक है. तो हमें सिस्टमिक वर्ड और लॉजिकल अप्रोच वर्ड यूज करना ही है टू इंश्योर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन. ठीक है. तो बेसिकली हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि हम सिस्टमिक और लॉजिकल अप्रोच दें, इंश्योर करें ताकि एक सक्सेसफुल हम न्यूट्रिशन इंटरवेंशन हमारा हो. द फाइव स्टेप्स इन द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस इंक्लूड असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, इंटरप्रेटिंग असेसमेंट डाटा टू डिटरमाइन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, डेवलपिंग अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर मीटिंग न्यूट्रिशन नीड्स, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएशन द प्लान अलॉन्ग विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. बेसिकली ये जो मैंने पढ़ा है, ये हमारे को जो आंसर दिया है पीछे उसमें से देखा है. हमने ऊपर जो देखा था कि असेसमेंट, ठीक है, फिर डायग्नोसिस, फिर इंटरवेंशन और मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ये ही है. अगर इसको आपको इलैबोरेट करना है तो बाद में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसी का पार्ट है, तो या तो आप इसको इलैबोरेट करके लिख लो जैसे इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पे कि असेस में करना है वो सब, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ABCD एनालिसिस. ABCD एनालिसिस मतलब क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था, ए फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, बी फॉर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, सी फॉर क्लिनिकल एनालिसिस एंड डी फॉर डाइट हिस्ट्री एंड डाइटरी इनटेक. ए से एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स याद रहेंगे अगर,
वो अपने आप बाद की चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है, बायोलॉजिकल, फिर सी से क्लिनिकल एनालिसिस, डी से डाइट हिस्ट्री। अब ब्रीफली डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इवेल्युएटिंग द न्यूट्रिशनल केयर प्लान। तो अब हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन का क्या रेलिवेंस है, इवेल्युएशन का क्या रेलिवेंस है, ठीक है। द रेलिवेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग न्यूट्रिशनल केयर प्लान इंक्लूड प्रोविजन ऑफ प्रॉपर केयर टू द पेशेंट फॉलोड बाय इंटरवेंशन एट स्पेसिफिक पीरियड टू एस्टैब्लिश प्रोग्राम इन ऑर्डर टू मीट ऑब्जेक्टिव। क्यों हम करते हैं? ताकि हम एक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। हम एक न्यूट्रिशन स्टेटस दे सकें इंडिविजुअल को या सोसाइटी को। इट ऑल्सो मेक्स द प्रोसेस इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द पेशेंट नीड। इसकी वजह से हमारी जो प्रोसेस होगी वो इफेक्टिव होगी और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव भी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय SOAP नोट। SOAP अभी अभी हमने पढ़ा है, एस से मतलब सब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जेक्टिव, ए से असेसमेंट एंड पी से प्लान। तो अभी हमने ये देखा था मेडिकल रिकॉर्ड के लिए ये एक स्टाइल होता है, ठीक है, SOAP नोट, जिसको हम सोप नोट भी कह सकते हैं।